मां मंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां मंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, मां मंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान अमन से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए मां के भक्तों को बताया कि गुण और दोष सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। किसी भी व्यक्ति में ये दोनों ही चीजें विद्यमान रहती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें सिर्फ गुण ही गुण हो, कोई दोष ना हो। इसी प्रकार ऐसा भी नहीं हो सकता है कि किसी के अंदर सिर्फ दोष ही हो, कोई गुण ना हो। व्यक्ति को चाहिए कि दूसरों के गुणों को देखे, उनमें दोष ना ढूंढे। दोष ढूंढने ही हैं तो अपने अंतर मन में झांके, अपने अंदर के दोष दूर करके अच्छा इंसान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि हमेशा दूसरों के गुण देख सुनकर गुणवान बनो। मां बंगलामुखी धाम के सेवादार श्रीकंठ जज ने बताया कि श्री शनिदेव महाराज के निमित्त अलौकिक शनि अमावस्या पर विशेष हवन यज्ञ 14 अक्टूबर दिन शनिवार को मंदिर परिसर में किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे विशेष आयोजन पर सभी भक्तों को बढ़ चढ़कर सम्मिलित होना चाहिए। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, राजेश महाजन, समीर कपूर, जसविंदर सिंह, अमरजीत सिंह, केविन शर्मा, गौरी शर्मा, मनीष कुमार, बाबा खन्ना, संजय बाबा जोशी, भानु मल्होत्रा, बाबा हलचल, बलदेव राज, विनोद खन्ना, दिशांत शर्मा, अभिलक्षे चुग, सोनू छाबड़ा, सुनील जग्गी, अशोक शर्मा, हरविंदर सिंह, सौरभ मल्होत्रा, प्रिंस राकेश केहर सिंह, प्रदीप शर्मा, ठाकुर बलदेव सिंह, प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। माता महादेवी यथा योग्यम तथा सुगंधित हार पुष्पांजलि अर्पण करो, मेरी मां करो स्वीकार, भक्त पुष्पांजलि समर्पयामहे। माँ बगलामुखी धाम जो कि लम्मा पिंड चौंक वो सिटी के स्थित है, उत्थे माँ के भव्य मंदिर के अलौकिक हवन यज्ञ जिहड़ा लगातार हर वीरवार किए जाते हैं, उन्हां दी कड़ी विच अज एक होर जिहड़ा हवन यज्ञ किया गया। भगत जिहड़े आ सवेर तों जिहड़े आ 5:30 तों लै के लगातार आई गए हैगी है, और उन्होंने आ के महामाई के जिहड़े हवन यज्ञ के नाना प्रकार दी औषधियां जड़ियां बूटियां और नाना प्रकार के जिहड़े आ फलों के नाल जिहड़ा महामाई नूं भोग लगाया हैगा और उन्होंने भोग अर्पण किए हैं। और मैं ये भी बेनती करना चाहना कि शनिवार को जोड़ा उत्थे अलौकिक हवन यज्ञ किया जा रहा है शनि अमावस्या के उपलक्ष्य के।
और शाम को 6 बजे शुरू होएगा और शनिदेव जी की इच्छा तक जब तक वो चलेगा। उत्थे सारे भगतों को बेनती की जाती है कि सब परिवार शाम को 6 बजे मंदिर परिसर के पहुँच के शनिदेव जी की भी कृपा प्राप्त करो।